जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों के मिश्र अनुपात से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। किसी भी लेवल का, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, दोनों ही लेवल पर यह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपके आने वाले एमपी पटवारी, एमपीएसआई एग्जाम और साथ ही फॉरेस्ट एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो देखिए, यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है, आप लोगों के शिविर में ठहरने वाले सैनिकों के भोजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह है। यह हर एग्जाम में आते हैं, आप सभी भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, इस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन है। क्या बोला गया है? एक किला है जिसमें 150 सैनिक रहते हैं और उनके लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री एकत्रित की गई है। मतलब 150 सैनिक कितने दिनों तक भोजन खा सकते हैं? 50 दिनों तक खा सकते हैं। आगे कहा गया है, 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। अब बस कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो चुटकियों का खेल है। ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 150 सैनिक भोजन करेंगे तो 50 दिन भोजन चलेगा। 150 सैनिक अगर भोजन करते हैं तो यह भोजन कितने दिनों तक चलता है? तो अगर कह रहे हैं कि 50 दिनों तक चलता है। अब बोल रहा है 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, पर 20 दिन तो इन्होंने खाया। देखिए, 20 दिन बाद गए हैं तो ये 150 सैनिक 20 दिन तक तो उपवास नहीं रहे होंगे, 20 दिनों तक तो इन्होंने भोजन खाया होगा। तो अब इन्होंने 20 दिन का भोजन तो खा लिया, 20 दिन का भोजन इन्होंने खा लिया, तो अब इनके कितने दिन का भोजन बचाइए? तो इन 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन अभी बचा है। कहने का आशय समझ गए आप लोग, 50 दिन का भोजन 150 सैनिकों के लिए था जिसमें से 20 दिन का भोजन इन्होंने खा लिया है। 20 दिन बाद जा रहे हैं, 20 दिनों तक खाना खाया, तो आप कितने दिनों का भोजन बचा है? 30 दिनों तक का। और 30 दिनों तक कितने सैनिकों का भोजन बचा है? 150 सैनिकों का भोजन बचा है 30 दिनों का। समझ में आ गया जो मैं आपको समझाना चाहता था? अगर ये आप समझ गए तो बस बिल्कुल समझ लीजिए आपसे ये आंसर आ गया। आप देखिए कैसे, आपने M1, D1 और M2, D2 का नाम सुना है, बस इसी बेस पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये वाला मेस M2, D2, M से मतलब होता है मेन, व्यक्ति की बात की जाती है, D से मतलब होता है डेज, मतलब दिन की बात। तो देखिए, अब क्या बोलते हैं हम यहाँ पर समझते हैं, 150 सैनिकों का 30 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है, हमें ये करना है। वो 50 से हमें कोई लेन देना नहीं है, शुरू में कितने दिन थे इससे हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई लेन देना नहीं होता है। 150 सैनिकों का 30 दिन का भोजन बचा हुआ है। अब बोल रहा है कि 50 सैनिक चले गए, तो अब सैनिक जो है M2 कितना हो गया, अब कितने सैनिक बचे हैं? 150 में से 50 चले गए मतलब 100, और D2 तो हमें फाइंड करना है। ये समझ गए आप लोग? देखिए, जो शुरू का दिन दिया होता है इस क्वेश्चन में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वह तो हमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन को समझने के लिए दिया जाता है। 150 सैनिकों का 50 दिन का भोजन था, 20 दिन वो खा के गए हैं, तो 150 सैनिकों का सिर्फ 30 दिन का भोजन बचा है। अब सैनिक कम हो गए तो भोजन ज्यादा चलेगा, मतलब अब सैनिक 100 हो गए तो कितने दिन चला यह हमें देखना है। अब देखिए, D2 की वैल्यू अगर आपको निकालना है दोस्तों, तो यहां से D2 और इधर इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो इसके अपॉन में क्या आ गया? 100 आ गया। तो चलिए देखते हैं, 10 से 10 कैंसिल, सेकंड जीरो कैंसिल, तो D2 बराबर से क्या निकल कर आए? तो आप देखेंगे कि यहाँ 15 का पहाड़ा 3 बार लीजिए, कितना आ जाएगा? 45 दिन। कितने दिनों तक ये भोजन चलने वाला है दोस्तों? 45 दिनों तक ये भोजन चलने वाला है। राइट आंसर इसका क्या आया? 45 दिन। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, तो यहां पर आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से कहा गया है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, अभी व्यक्ति कितने हैं इसे समझना है आपको, और भोजन का जो दिन है वो कितने दिनों का भोजन है। तो पहले कह रहा है कि 1600 व्यक्ति हैं और 60 दिनों का भोजन है। 1600 व्यक्ति अगर खाना खाते हैं तो ये भोजन कितने दिनों तक चलेगा दोस्तों? 60 दिनों तक ये भोजन चलने वाला है। आगे बोलता है, परंतु इस कैंप में 1600 की जगह 1200 व्यक्ति ही भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेने वाले थे? 1600 लोग भाग लेने वाले थे जिनके लिए 60 दिनों की भोजन की व्यवस्था की गई थी।
लेकिन कैंप में क्या हुआ, 1200 लोग ही भाग ले पाए हैं। क्या बोल रहे हैं, 1200 लोग ही भाग ले पाए हैं, तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। अब कम व्यक्ति शामिल हुए हैं तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। तो बस हमें M1 D1 और M2 D2 वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है बच्चों। देखिए दोस्तों, यहां भी हमें M1 D1 और यहां भी M2 D2 ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं तो देखिए कैसा होगा, इसे समझ लीजिए। M1 मतलब पहले कितने व्यक्ति शामिल होने वाले थे, 1600 व्यक्ति। D1 कितने दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, 7 दिनों के लिए, लेकिन कितने शामिली हुए। तो यहाँ M2 की बात कर रहा है तो 1200 व्यक्ति ही शामिल हुए। अब भोजन कितने दिन चलेगा तो ये तो हमें फाइंड करना है। D2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, D2 का मान हमें निकालना है दोस्तों। अब आप यहाँ देखिए तो क्या करना है हमें, D2 का जब मान निकालना है तो ये हो गया D2। अब ये यहाँ पर लिखा रहेगा 1600 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड में क्या आ गया, 1200। आप देखिए यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। आप 6 से काट सकते हैं इसे 10 टाइम, 6 से इसे 2 टाइम, 2 से इसे काट सकते हैं 5 टाइम। तो अगर D2 की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो 16 का पहाड़ा आप 5 बार लीजिए, वही उसका आंसर होगा। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या आया, तो हम कहेंगे 80 दिन। कितने दिन भोजन सामग्री चलेगी, पहले यह 60 दिन चलने वाली थी, लेकिन जब 400 लोग कम शामिल हुए कैंप में तो भोजन 20 दिन ज्यादा चलेगा। तो राइट आंसर इसका क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, 80 दिन यह भोजन सामग्री चलने वाली है। समझ में आ गया अच्छे से। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें MP गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, और यह जो वीडियो है हमने एक स्टूडेंट की कमेंट पर आप लोगों के लिए लेकर आए। स्टूडेंट ने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप किया था कि सर ऐसा एक वीडियो लेकर आई, इस क्वेश्चन में मुझे परेशानी हो रही, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाया गया। और देखिए रात के 1:10 पर आप लोगों के लिए वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में दिन के समय में थोड़ा सा काम ज्यादा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें यार। देखिए यहाँ पर किसी छावनी में, यहाँ पर किसी छावनी का मतलब होता है जहाँ सैनिक रहते हैं, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए है। 200 व्यक्ति अगर भोजन खाते हैं तो कितने दिन चलेगा, 30 दिन चलने वाला है। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन चलेगी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। 200 व्यक्ति खाते हैं तो भोजन कितने दिन चलने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, M1 D1 और M2 D2 बराबर में यही होता है। आप देखिए T1 भी होता है, पर यहाँ पर T की जरूरत नहीं है, वो हमें टाइम एंड वर्क में काम आता है। आप देखिए यहाँ पर दिया है 200 व्यक्ति 30 दिनों तक भोजन खाते हैं, 10 दिन बाद। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले इसे मैं समझा देता हूं। 200 व्यक्ति अगर खाना खाते हैं तो कितने दिन खाना खाएंगे, 30 दिन खाना खाएंगे। व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 200, 30 दिन खाना खाते हैं। आप बोल रहा है 10 दिन बाद, यह शब्द जैसे दिख जाए तो बस इसी को पकड़ के बैठ जाइए। 10 दिन बाद मतलब कि 30 दिन का खाना था, 200 लोग खाना था, लेकिन 10 दिन बाद ये 200 लोगों ने 10 दिन खाना खा चुके हैं। 10 दिन बाद की बात चल रही है, तो अभी जो 200 लोग 10 दिन तक उपवास तो रखेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खाएंगे, सभी लोग अपना अपना हिस्सा खाएंगे, तो 10 दिन का भोजन तो समाप्त हो गया। अब बचा भोजन कितने दिनों का, 20 दिनों का। तो आप यहां से समझिए 200 लोगों का भोजन कितने दिनों का बचा, अभी 20 दिनों का बचा हुआ है। 200 लोग अभी 20 दिन तक खाना खा सकते हैं। आगे बोला है कि 50 व्यक्ति और आ जाने पर यह सामग्री कितने दिन चलेगी। आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि व्यक्ति कितने, 200 व्यक्ति कितने, 200। अब यह भोजन पहले 30 दिन चलने वाला था, लेकिन 10 दिन बाद और सैनिक शामिल हो रहे, तो 10 दिन का भोजन तो समाप्त कर दिया इन्होंने खा खा कर। बचा कितना दिन का, 20 दिन का। तो 200 व्यक्तियों का 20 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है। अब आगे क्या होता है, 50 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं, 50 व्यक्ति और शामिल। तो पहले कितने थे, 200, आप कितने हो गए, 250। तो यह भोजन कितने दिन चलेगा, मतलब D2 निकालना है आपको। तो चलिए समझ गए किस तरीके से निकालना है, तो D2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर D2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई वाला इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई 20 और अपॉन में क्या आ गया, तो देखिए 250। यहाँ से इसे काटेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 25 का टेबल ले लीजिए एट टाइम में, अब 8 का पहाड़ा 2 बार ले लीजिए, आंसर आ गया। तो D2 बराबर से कितना दोस्तों, 16 दिन। कितना, 16 दिन इसका क्या आ गया, राइट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर D में नजर आ रहा है, और दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल आप लोगों के लिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर।
तो चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे करता हूं ताकि आप लोगों को साफ नजर आता रहे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया आपसे एक छावनी, छावनी का मतलब जहां सैनिक निवास करते हैं, रहते हैं वहां, एक छावनी में 3300 कितने सैनिक, 3300 व्यक्तियों या सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। दिन समझ गए, 3300 सैनिक है, 850 ग्राम अगर डेली खाते हैं तो कितने दिन भोजन चलने वाला है, 32 दिनों तक भोजन चलने वाला है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ जाते हैं। अब 825 ग्राम की दर से यह भोजन 17 दिनों तक चलता है, तो कितने नए व्यक्ति आए यह आप लोगों से पूछा गया है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, आपको आंसर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या बताया गया, कितना कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 300 सैनिक है, कितने हैं टोटल व्यक्ति, कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ हमसे कहा 300 नहीं 3300 कहा गया, कितने व्यक्ति हैं 3300 व्यक्ति हैं, और 850 ग्राम की दर से यह भोजन चलना है 32 दिनों तक, भोजन चलना कितना है 32 दिनों तक, लेकिन कुछ सैनिक और शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 17 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट वही हमारा M1D1 वाला दोस्तों, M1D1 और यहाँ पर M2D2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कितने व्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे सर जी 3300 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति 3300 व्यक्ति, और डेली कितना भोजन करते हैं 850 ग्राम, तो इसे तो हमें काउंट करने होगा, जो मात्रा वो लोग खाते हैं उसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 3300 व्यक्ति 850 ग्राम डेली खा रहे हैं, भोजन कितने दिन चलना चाहिए 32 दिन, भोजन कितने दिन चलना चाहिए 32 दिन, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, 7 दिन बाद की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है जितने दिन बाद का उससे को माइनस करना पड़ता है टोटल में से, पहले 32 दिन यह भोजन चलने वाला था लेकिन अब 7 दिन का तो खा चुके भैया, ये 3300 लोग 7 दिनों का भोजन इस हिसाब से खा चुके हैं 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, तो अब बचा भोजन कितने दिन का, सिर्फ 25 दिनों का। अगर समझ में आ गया किस तरीके से, सिर्फ 25 दिनों का, अगर 3300 व्यक्ति 850 ग्राम प्रतिदिन खाते हैं तो अभी भोजन 25 दिन चलने वाला है, कितने दिन चलने वाला है यह भोजन 25 दिनों तक चलने वाला है, 3300 व्यक्ति 850 ग्राम प्रति स्पीड दर से खाते हैं, प्रति व्यक्ति की दर से। अब 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति आए तो हमने पहले 7 को माइनस कर दिया क्योंकि अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों का है, 25 दिनों का है इन लोगों के हिसाब से। 825 ग्राम अब कितने व्यक्ति आए हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि टोटल इतने व्यक्ति हो गए, कुछ और नए व्यक्ति आ जाने के बाद, मतलब 3300 में कुछ और व्यक्ति शामिल होने के बाद जो टोटल व्यक्ति हुए वो कितने हो गए दोस्तों हमारे 100 हो गए, समझ में आ गया। अब कितना D2, तो D2 देखिए अभी तो इसकी खाने की जो क्षमता मल्टीप्लाई करेंगे, 825 ग्राम खा रहे एक व्यक्ति, 825 ग्राम खाते हैं डेली तो भोजन 17 दिनों में ही समाप्त कर देते हैं, लाइन समझ में आई आपको। देखिए पहले भोजन 3300 व्यक्ति के लिए 850 ग्राम के हिस्से से अगर बांटा जाए प्रति व्यक्ति की दर से तो 32 दिनों तक भोजन चलने वाला था, लेकिन 7 दिन बाद, तो आप 7 दिन का भोजन तो खा चुके, बचा कितने दिनों का 25 दिनों का, 3300 व्यक्ति का 850 ग्राम की दर से 25 दिनों का भोजन बचा है, लेकिन कुछ सैनिक आ गए तो हमने सैनिक को शामिल करके हमने मान लिया टोटल कितने सैनिक हो गए 100 हो गए, 825 ग्राम की दर से खाते हैं तो 17 दिन में भोजन को समाप्त कर देते हैं, तो हमें देखना है कि यह भोजन कितना है। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो सारे नंबर है इधर मल्टीप्लाई से हटके डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ पर इसके डिवाइड में आ जाएंगे, आप देखिए इसके डिवाइड में आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या नजर आएगा 825 मल्टीप्लाई 17। अब अगर आपको टेबल आता है दोस्तों तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कर पाएंगे, देखिए 17 बन जाए 17 5 जा 85 0 का 0, आप 25 से ही आप काट दीजिए तो 25 से आप इसे काटते हैं तो देखिए 25 बन जाए 25, इसे काटेंगे 25 3 जा 75 मतलब 75, 25 या 75, फिर बचा कितना आप 7 देखेंगे तो फिर 33 से इसे ही काट देते हैं वन टाइम में और ये 00। आप देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 में 100 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 5000, x बराबर से क्या आ गया दोस्तों 5000 आया, लेकिन इसे तो हमने टोटल माना है, कितने सैनिक शामिल हुए हैं पहले वाले को बाद वाले के साथ मिलाकर हमने टोटल माना था, तो अब कितने सैनिक शामिल हुए तो हम देखते हैं, नए सैनिक हमें निकालना है तो जो नए सैनिक आए हैं दोस्तों उन्हें हमें निकालना है, तो जो नए सैनिक है तो देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल कितने 5000 खा रहे हैं और 3300 तो इसमें पहले से ही शामिल थे, तो अभी नए कितने आए तो हम घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1700 सैनिक नए आए, समझ गए आप लोग कैसे करना है, 1700 सैनिक नए आए,
ये आप लोगों को समझाने में इतना टाइम लगा, नहीं तो ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 सेकंड का क्वेश्चन है। 20 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, इससे भी कम का क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मेरे वीडियो से, तो आप 20 सेकंड के अंदर अंदर 15 सेकंड 10 सेकंड में भी इसका आंसर कर पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते जाइए, बस ला के सीधे लिखते जाइए और काट दीजिए, बस इतना आसान होता है। तो ये है इसका राइट आंसर। कौन सा नंबर का ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम वही है। फिर यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, अच्छे समझ लीजिए, फिर क्विज का आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें बोला है एक सैनिक में 95 सैनिकों, कितने सैनिक है? 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है। मतलब अगर 95 सैनिक खाते हैं तो खाना कितने दिनों तक चलेगा? हम देखिए यहाँ लिख लेते हैं, सैनिक कितने हैं, तो यह है 95 सैनिक अगर खाते हैं तो कितने दिन तक भोजन चलने वाला है दोस्तों? 200 दिनों तक भोजन चलने वाला है। 5 दिन बाद, क्या बोला? 5 दिन बाद। अब 5 दिन तो भोजन खा लिए, तो अब भोजन कितने दिन का बचा? तो हम 5 दिन को माइनस करते हैं, तो 195 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है। 95 सैनिकों का 195 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है, ये समझ में आ गया ना? पहले क्या था, 200 दिनों का भोजन था, लेकिन 5 दिन खा चुके, 5 दिन बाद की बात करेगा तो 5 दिन का तो खाना खा गए। अब बचा कितना? 195 दिनों का खाना बचा है 295 सैनिकों का। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब 30 सैनिक कम हो गए, 30 सैनिक कम हो गए तो क्या हो गया? अब कितने सैनिक बचे? 65। तो आप देखिए इसे ही हमें करना है, तो हम M1D1 लगाते हैं। आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैथ्स तो अपने आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा, देखिए आप देखते हैं इसे सॉल्व करना है तो हम ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले क्या बोला है, 95 व्यक्ति कितने, M1 की वैल्यू कितनी? 95। D1 कितना? तो 200 दिनों का खाना है, लेकिन 5 दिन बाद से 5 दिन बाद कुछ चेंज हो रहा है, तो 200 दिनों का खाना था, 5 दिनों का खाना खा चुके, तो अब 95 लोगों का कितने दिनों का खाना बचा है? 195 दिन का खाना बचा है। कितने दिनों का खाना बचा है दोस्तों? 195 दिन का खाना। इसका फॉर्मूला अगर आपको समझना है, फॉर्मूला कैसे लिखें सर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले तो कुल व्यक्ति, क्या लिखेंगे? कुल व्यक्ति मल्टीप्लाई शेष दिन। शेष दिन का मतलब क्या होता है? जितने दिनों का खाना बचा है वो, शेष दिनों का खाना मतलब कि शेष कितने दिनों का खाना है। फिर इसके बाद इधर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए शेष व्यक्ति मतलब व्यक्ति आपको या तो कम होंगे या तो ज्यादा होंगे, यह होती है कंडीशन। नेक्स्ट वाले में या तो पब्लिक आती है या तो पब्लिक जाती है, और उसके बाद फिर आपको दिन लिखना होता है कि भोजन कितने दिनों तक। तो इस तरीके से भी आप लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे करना है, और इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी इतना क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं, 95 व्यक्ति हैं, 195 दिनों का खाना अभी इनका बचा हुआ, 200 का था पर 5 दिनों का ऑलरेडी खा चुके हैं, 195 दिन का खाना बचा है। आप बोल रहा है 30 जो व्यक्ति हैं, 30 सैनिक है, दूसरे कैंप में चले जाते हैं, पहले थे 95, 30 चले गए तो बचे कितने? 65। अब यह भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो D2 की वैल्यू निकालना है। जब D2 की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे? 95 गुणा 195 और बटे में क्या आ जाएगा? 65। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए 5 से काटेंगे तो ये 19 बार, 5 से काटेंगे तो ये 13 बार कटेगा, 13 पंजे 65। 13 से काटे 13 एकम 13, तो यहाँ भी देखिए 13 एकम 13, 19 में से 13 गई तो 6 बचा, 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 65, 13 पंजे 65। अब D2 की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो D2 की वैल्यू हमें है 19 × 15। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं D2 बराबर से क्या आएगा। 15 नमा की 135 हासिल आया 13, 15 एकम 15 और 13 अगर इसमें मिला देंगे तो हो जाएगा 28। तो देखिए कितने दिन निकल कर आए दोस्तों, तो हम कहेंगे कि हमारे दिन निकल कर आए हैं 285। राइट आंसर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने लेकर रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। हम आपको नहीं बताने वाले हैं, या एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और सरल ही रखी, ज्यादा टफ नहीं रखी है। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, शेष सामग्री कितने दिनों तक पूरेगी? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को MPGK के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही आप लोग MP पुलिस, MP फॉरेस्ट, MP पटवारी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एग्जाम, MP कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017,
पटवारी एग्जाम 2017 और साथ ही आप लोगों के फॉरेस्ट एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आप सभी को यह सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जिससे प्रिपरेशन आपकी बेहतर हो पाएगी। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।